मेरे मेरा ही सिम, बट ये कन्फर्म नहीं है कि किसके नाम पे है, बस वो जानना था मुझे। जी जी, तो सर इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास एक पुराना सिम पड़ा हुआ है जो कि दोस्तों कोई सा भी टेलीकॉम ऑपरेटर का हो, एयरटेल का हो, जियो का हो, या फिर दोस्तों वो वोडाफोन का ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या वो रीएक्टिवेट हो चुका है? एक मिनट, क्या आपको ये भी नहीं पता है कि आपका जो पुराना सिम है वो अभी तक एक्टिवेट है या फिर उसे रीएक्टिवेट कर दिया गया है? दोस्तों डोंट वरी, ऊपर में एक वीडियो मेंशन करा है, वहाँ पर जल्दी से जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो। एंड दोस्तों वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो आपका जो पुराना सिम है वो अभी तक एक्टिवेट है या फिर नहीं। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो देख लिया आपको पता चल गया कि आपका सिम अभी डीएक्टिवेट हो चुका है, तो दोस्तों नेक्स्ट आप चाहते हो कि उसे रीएक्टिवेट कराना, तो दोस्तों रीएक्टिवेट कराने के लिए दोस्तों आपको उस सिम को फिर से रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रीवेरिफिकेशन कराने के वक्त आप जैसे ही रीवेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहाँ पे बोलेगा कि भाई हमें डॉक्यूमेंटेशन दो, फिर से मैं आपको रीवेरिफिकेशन कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन कौन सा? जिस डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने उस सिम को नए न्यू में बाय किया था वही डॉक्यूमेंटेशन आपको फिर से मांगा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपने जिस डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो सिम को नया में बाय किया था आपको ये पता नहीं है कि आखिर वो डॉक्यूमेंटेशन किसके नाम पे है, वो मेरा डॉक्यूमेंटेशन था या फिर दोस्तों मेरे फैमिली मेंबर के किसी के डॉक्यूमेंटेशन था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के हेल्प से दोस्तों आप जान सकते हो कि आपके पास जो ये पुराना सिम है आखिर वो किसके नाम पे है। तो दोस्तों बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को मिस मत करना। तो अगर आप मिस कर देते हो तो शायद से आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चले करते वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन यूजर्स की जिनका सिम एक्टिवेट है बट दोस्तों को ये नहीं पता है कि ये जो मेरा सिम है वो किसके नाम पे है। चाहे दोस्तों आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, या फिर दोस्तों वो वोडाफोन का ही क्यों नहीं है। जो स्टेप मैं अभी बताने वाला हूँ उस टाइम स्टेप का फॉलो करना एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो सिम है वो किन के डॉक्यूमेंटेशन पे आपने ये सिम बाय किया। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आज को मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन, तो चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से हम पता कर सकते हैं ये जो हमारे पास सिम है वो किन के नाम पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जियो का सिम है, तो यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो सिंपली से अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो यहाँ पे आप एयरटेल का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपके पास वोडा का है, वीआई का है, तो सिंपली से आप वीआई का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड सिंपली से सेम प्रोसेस फॉलो करना। चलिए मैं आपको अभी मैं अपना दिखाता हूँ। सिंपली से मैं माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो सिंपली से आप नेक्स्ट आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ पे आपको राइट साइड के टॉप पे थ्री बटन्स दिख रहे हैं, तो सिंपली से आपको इसे क्लिक करना। इसे क्लिक करते यहाँ पे सिंपली से आप देख रहे हो ऊपर में लिखा आ रहा है हाय जिनका नाम पे ये सिम है। आप सिंपली से देख सकते हो यहाँ पे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिम है वो किन के नाम पे है। सो दोस्तों नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं उन यूजर्स के जिनका दोस्तों सिम डीएक्टिवेट हो चुका है, तो वो कैसे जान सकते हैं मेरा जो सिम है वो किन के नाम पे है। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग है जो कि दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रिकॉर्डिंग दोस्तों मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, ये प्रॉब्लम बताया था, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, पहले आप ये सुन लो उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपकी क्या सहायता करता हूँ? जी मुझे एक फेवर चाहिए था। एक्चुअली है क्या, मेरे पास एक और जियो का सिम है और उसका एक्चुअली मुझे ऑनर का नाम, मतलब है मेरा ही सिम बट ये कंफर्म नहीं है कि किसके नाम पे है, बस वो जानना था मुझे। जी जी, तो सर इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। किस तरह से सर? आपको जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं माई जी ऐप पर। जी आप माई जी ऐप खोले। जी माई जी ऐप पे आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। जी सर, तो यहाँ से आप नाम देख सकते हैं कि किसके नाम से सिम चल रहा है। दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप किस तरह से जान सकते हैं आपका ये डीएक्टिवेट हुआ सिम है वो किन के नाम पे है। तो उसके लिए आपको सिंपली से करना क्या, आपके पास कोई सा भी कंपनी का सिम हो, सपोज डेट कि आपके पास जियो का सिम हो, तो दोस्तों ये जो जियो का सिम है किसी और का फोन लो जिसमें दोस्तों जियो का सिम है, तो सिंपली से उस जियो के नंबर से आप कस्टमर केयर को कॉल करो। एंड दोस्तों जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे कस्टमर केयर से बात किया, तो सिंपली से आप यहाँ पे बोलो कि ये एक मेरे पास सिम है जो डीएक्टिवेट हुआ पड़ा है, उसका मैं जानना चाहता हूँ केवाईसी कराने के लिए कि ये जो सिम है मेरा वो किन के नाम पर है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये इतना आसानी से आपको किसी के प्राइवेसी के बारे में नहीं बता सकते हो, तो आप एक दो नाम एग्जाम्पल दे देना जो आपके माइंड में है कि मैंने इनके नाम पर सिम लिया होगा, चाहे
इनके नाम पे, तो एक दो एग्जांपल आप देना तो वो सिंपली से आपको बता देंगे कहाँ ये इन्हीं के नाम पे है। तो दोस्तों यहाँ से आप जान सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसी तरह के और कुछ वीडियो पे या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली दोस्तों अगला वीडियो उसी पे लाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।